हेलो भाई, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कुछ नई रिक्रूटमेंट यहाँ पे ऑर्डर की गई है कांस्टेबल की और फायरमैन की। यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट जो ऑर्डर की गई है CISF की तरफ से ऑर्डर की गई है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। जो नई वैकेंसीज ऑर्डर की गई हैं इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल जो रहने वाला है थर्ड रहने वाला है, 21,700 यहाँ पे बेसिक रहने वाले हैं, और जो आपकी पे जाने वाली है यहाँ पे 69,000 तक यहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 31 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 सितंबर 2024 रहेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो CISF की ऑफिशियल वेबसाइट CISFRET.in पे जो है फिल होंगे। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आउट की गई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। जो जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसीज टोटल यहाँ पे रहने वाले हैं वो 65 वैकेंसीज टोटल रहने वाली हैं पूरी स्टेट में। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो बाकी अदर स्टेट्स की यहाँ पे जो वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड यूटी वाइज टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 1,030 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल रहने वाली हैं यहाँ पे जो। ठीक है, इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी 12th पास होनी चाहिए और साथ में आपके साइंस के सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेकर 23 इयर्स के बीच में जो है एज लिमिट होनी चाहिए। बाकी जो कट ऑफ एज है वो यहाँ पर बताई गई है कि कट ऑफ एज क्या रहने वाले हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC, उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी गई है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे SC ST को 5 साल की है, OBC को 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 3 साल की। ठीक है, बाकी यहाँ पे अदर कैंडिडेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर्म की बात करें यहाँ पे फ़ी की, तो 100 रुपीज़ यहाँ पे फॉर्म की फ़ी रहने वाली है जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से। बाकी जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर देख सकते हो। जो वेबसाइट यहाँ पर रहने वाली है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, CISFRET.CISF.GOV.IN पे जाके अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी ने फॉर्म फिल करवाना है वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, जब फॉर्म की यहाँ पे ओपनिंग होगी उसके बाद, ओके 7051386019 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको हर तरह की अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो गाइज़ ये यहाँ पर फ़ी यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी फ़ी के बारे में बता भी दिया है। ठीक है, तो बाकी इसकी जो फिज़िकल वगैरह है वो भी यहाँ पे आप जो है देख सकते हो। ठीक है, फिज़िकल स्टैंडर्ड वगैरह 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे होनी चाहिए, और जस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, मैं स्पेशली उनकी बात करूँगा, उनकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, उनकी जो चेस्ट है यहाँ पर 78 से लेकर 83 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये जो मेन पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस कर दिए इस वीडियो में। बाकी आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके यहाँ पे सिलेबस वगैरह और रिटन एग्जाम जो आपका CBT लिया जाएगा, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है जो 50 मार्क्स का लिया जाएगा, 100 मार्क्स का यहाँ पर लिया जाएगा CBT मोड, और 120 मिनट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके गाइज, ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप तक शेयर करनी थी कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।